नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। विश्व हिंदू महासंघ और अक्षरा समिति के तत्वाधान में पतत पावनी माँ के नदी घाट पर पूर्व घोषित सारणी के अनुसार केन आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के गौरक्षा प्रमुख श्री महेश कुमार प्रजापति उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल स्रोतों, नदियों व कुओं, तालाबों को स्वच्छ एवं संरक्षित रखने के लिए जन जागरण करना है। आगे श्री प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के तहत हर घर तिरंगा फहराना है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि हर श्रद्धालु अपने तरीके से इस आगामी स्वतंत्रता सप्ताह से, उन्होंने आगे कहा कि भारत की आजादी के अमृत पर्व पर आयोजित इस बार का स्वतंत्रता दिवस विशेष है। इसलिए समाज के हर एक वर्ग, हर तबके, हर सामाजिक संगठन, महिला स्वयं सेवी संगठनों, खेल क्षेत्र, व्यापारी संगठन आदि को इससे जोड़े। मौजूद समिति के वरिष्ठ जिला प्रवक्ता श्री भरत बाबू गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पूर्व एक गुलाम देश था। भारत पर अंग्रेजी सरकार का राज्य था। पूज्य महात्मा गांधी जी ने भारतवासियों को हार्दिक इच्छा को समझा और उन्हीं के सहारे आंदोलन छेड़ दिया। उनके सफल प्रयत्नों के कारण अंग्रेजी सरकार ने भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया। आगे श्री गुप्ता ने बताया कि समस्त भारत के निवासियों को प्रसन्नता हुई, अतः इस पुण्य तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। गोरक्षा समिति के जिला मीडिया प्रभारी श्री मितेश कुमार ने आरती के दौरान आए हुए महेश्वरी देवी आरती मंडल द्वारा शिव मूर्ति विसर्जन भक्तों ने केन जल आरती में शरीक हुए उन भक्तों का जिला मीडिया प्रभारी ने भगवा तिलक लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आरती के दौरान इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पूर्व चेयरमैन राजकुमार राज, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश कान्हा जी, बुंदेलखंड केन सेवा संगठन भाजपा जन समर्थक मंच आलोक कुमार निगम, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री राकेश कुमार त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र द्विवेदी, जिला मंत्री आलोक प्रजापति, जिला प्रचार मंत्री रजनीश प्रजापति, रामकरण पाल, उत्तरी नगर अध्यक्ष आदित्य सोलंकी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी संतोष कुमार, आशीष कुमार, महेश प्रसाद गुप्ता, महेश्वरी देवी आरती मंडल संरक्षक और महेश्वरी देवी आरती मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। के द्वारा सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और प्रसाद भक्तों को वितरित किया गया। नथु प्रसाद पटेल, लाइव टीवी समाचार, बांदा। जी, आपका शुभ नाम? राजकुमार गुप्ता राज, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका बांदा। जी, आज कहाँ पर कैसा प्रोग्राम आयोजित हुआ? प्रति मंगलवार को हमारे नगर में केन नदी, जो कर्णावती नदी के नाम से जानी जाती है, उसके किनारे महेश प्रजापति जी के नेतृत्व में केन आरती का कार्यक्रम होता है, जिसमें नगर के श्रद्धालु काफ़ी संख्या में भाग लेते हैं। आज मंगलवार है, उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रण भी करते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं, आरती करते हैं गंगा केन आरती, और उसके बाद सब लोग यहाँ बैठकर केन के दर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है, इनके जितनी प्रशंसा की जाए। इनकी पूरी टीम, अखिलेश श्रीवास्तव, भरत जी, जो भी इनके सहयोगी हैं। आज हम अपने साथी सुरेश कान्हा जी के साथ यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थोड़ा विलम्ब हो गया, गंगा आरती हो गई, फिर भी गंगा दर्शन ही बहुत महत्व रखता है, तो हम लोगों को दर्शन प्राप्त हुए, इसके लिए हम महेश जी को धन्यवाद देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।